हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन हमेशा लाता है आपके लिए अमेजिंग डिलिशियस रेसिपी। तो डिलिशियस रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती है। फ्रेंड्स, हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज, इंडियन रेसिपीज, ट्रेडिशनल रेसिपीज और बहुत सारी इनोवेटिव रेसिपीज। तो इनोवेटिव और स्पेशल रेसिपीज बनाने के लिए बने रहिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ। मैजिक किचन को आपने जो प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। यूं ही बने रहिएगा और यूं ही प्यार बरसाते रहिएगा। हम आपके लिए लाते रहेंगे अमेजिंग डिलिशियस रेसिपीज। तो फ्रेंड्स, चलें देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कौन सी है और आज की रेसिपी के टिप्स और ट्रिक्स कौन से हैं। तो चलें बनाते हैं आज की स्पेशल रेसिपी। फ्रेंड्स, किस किस को पसंद है गुपचुप, गोलगप्पे, पुचका, पानी पूरी? कोई भी नाम आप दे सकते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है इसे। तो पसंद है ना आप सभी को? आई थिंक ऐसा कोई नहीं होगा जिसको गुपचुप या गोलगप्पे नहीं पसंद हो। मुझे तो बेहद पसंद है। और यदि गोलगप्पे में कुछ हेल्दी वेजिटेबल्स की बात हो और कुछ डिफरेंट गोलगप्पे की बात हो तो मुंह में पानी आना तो वाजिब है। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी गोलगप्पों की। तो अब गोलगप्पों में भी हेल्थ की बात की जाएगी। तो आज हम लाए हैं बीट रूट के गोलगप्पे, वो भी सूजी के बने हुए, यानी सेमोलिना बीट रूट गोलगप्पे आज हम लेकर आए हैं। साथ में है आलू का मसाला और स्पेशल पानी पूरी की का जो पानी है वो हम अब सारी रेसिपी देने वाले हैं आज आपको। और ये स्पेशल बीट रूट यानी चुकंदर के गोलगप्पे, पुचका, गुपचुप, पानी पूरी आज हम बनाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में और बनाइए ये क्रंची। देखिए कितना क्रंच है और कितना क्रिस्पी है ये देखिए। तो ये वाला गोलगप्पा चलिए बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं सबसे पहले डो। तो यहाँ पे हमने लिया सूजी, देखिए ये मोटी वाली सूजी है। हम आपको करीब से दिखाते हैं, देखिए ये काफी मोटे दाने हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी में पीस लेंगे और बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे, क्योंकि गोलगप्पे तभी अच्छे बनते हैं जब आप सूजी को अच्छे से ग्राइंड कर लें, बिल्कुल फाइन पाउडर कर लें। तो हम बना रहे हैं सूजी के गोलगप्पे, नहीं सूजी के चुकंदर वाले गोलगप्पे। तो देखिए हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट, फाइन पाउडर कर दिया है इसको। ये देखिए फाइन पाउडर है बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर हो गया है। तो इस तरह का हमें चाहिए। तो यदि मार्केट में मिलते हैं बारीक पाउडर वाले, नहीं है तो आप घर पे ही मोटे वाले सूजी को बारीक पीस सकते हैं। तो ये 2 कप ले लिया हमने सूजी। अब हमने लिया है 1 चुकंदर, क्योंकि हम बना रहे हैं चुकंदर यानी बीट रूट के गोलगप्पे। तो हम ये चुकंदर को अच्छे से छील लेंगे, उसके बाद पीसेस कर लेंगे। ये देखिए छील लिया हमने, अब इसको छोटे छोटे पीसेस करेंगे और उसके बाद इसको करेंगे ग्राइंड। तो चलिए इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिया हमने, मिक्सी जार में ले लिया है
और अब इसको पहले अच्छे से पीस लेते हैं। ये देखिए इस तरह से पीस लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हमें इसका जूस निकालना है, तो इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके इसको हम पीस लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने पीस लिया, इसका जूस निकल गया। अब इसको हमें छानना है ताकि हम इसका जूस यूज करें। तो ये देखिए हमने छान लिया है और इतना सारा जूस निकला है चुकंदर का। तो अब हम ये जो सूजी हमने ली है उसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून ऐड किया सॉल्ट। 2 कप सूजी है और उसमें ऐड कर देंगे हम 1/4 कप से थोड़ा कम ऑयल, 1/4 कप से थोड़ा सा कम। और ऐड करेंगे यहां पर बीट रूट का यानी चुकंदर का जूस। अभी हमने आधा ऐड किया है, ये देखिए आधा हमने ऐड किया है। और पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर जरूरत होगा तो बाकी का ऐड करेंगे। तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चुकंदर का कितना अच्छा कलर आया है। ये बहुत हेल्दी है क्योंकि चुकंदर यानी बीट रूट और सूजी यानी सेमोलिना, ये दोनों ही हेल्दी है, इजी टू डाइजेस्ट है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए अच्छे से हम इसको मिक्स कर रहे हैं और अब थोड़ा सा और ऐड कर देंगे हम। तो ये देखिए, तो हमने तकरीबन आधा कप ऐड कर दिया है बीटरूट का जूस। तो आधा ही ऐड करना है, ये सफिशियंट हो गया है। यानी हमने यहाँ 2 कप लिया है सूजी, तो 1/4 कप से थोड़ा कम लिया है ऑयल और यहाँ पे हमने ले लिया है आधा कप बीटरूट का जूस और अच्छे से मिक्स कर दिया हमने इसको। अब ये देखिए ये डो रेडी है। तो अभी इसको हमें इतना ही लगाना है, इसको ढककर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो 20 मिनट का हमें रेस्ट देना है क्योंकि सूजी है तो ये फूलता है। तो 20 मिनट हम इसे रेस्ट देंगे और 20 मिनट के बाद हमें इसको नीड करना है। तो 20 मिनट्स के लिए इसे रेस्ट देना जरूरी है। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और सूजी काफी अच्छे से फूल गया है और कलर आप देख सकते हो कितना अच्छा, देखिए कितना सॉफ्ट है ना। अब इसे हमें अच्छे से लगाना है, चिकना करना है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप इसको रेस्ट देने के बाद इसको बहुत अच्छे से नीड करें। जितना अच्छा नीड करेंगे गोलगप्पे उतने ही अच्छे फूले फूले बनेंगे। तो अब हमें इसको नीड करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ध्यान रखिएगा। अब इसको अच्छे से हम 15 मिनट, तकरीबन 15 से 20 मिनट हमें इसको अच्छे से नीड करना है। ये नीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है यदि आप फूले फूले गोलगप्पे चाहते हैं। तो अच्छे से नीड कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसको नीड कर रहे हैं, इस डो को हमें अच्छे से लगाना है। देखिए कलर कितना अच्छा है बीटरूट के कारण इस डो का। तो इसको हम लगातार 15 से 20 मिनट हम इस डो को अच्छे से चिकना करेंगे। तो इसको अच्छे से मसल मसल के चिकना करें। देखिए हमने आधा कप लिया था बीटरूट जूस, तो वो सफिशियंट है और डो हम जैसा चाहते हैं वैसा डो बन के रेडी है। तो देखिए अभी हमें इसको इस तरह से भी अच्छे से डो को चिकना करना है। तो जितना आप चिकना करेंगे ना डो उतना अच्छा बनेगा और आप देखेंगे कि जो हम बनाएंगे पानी पूरी वो भी काफी फूला फूला बनेगा और बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप ही फूलेगा। तो इस तरह से इसको अच्छे से थोड़ा सा पिटाई करना जरूरी है और इसको सॉफ्ट करना जरूरी है। तो ये वाला पोर्शन जरूर कीजिएगा ताकि आपका जो बीट रूट का गोलगप्पा बने वो बहुत ही बिल्कुल गोल गप्पे जैसा बने। तो चलिए हम लगा लेते हैं इस डो को अच्छे से। तो लड़कियों के मुंह में तो डेफिनेटली पानी आ रहा होगा क्योंकि लड़कियों को गुपचुप यानी गोलगप्पे बहुत पसंद है, वो सब कुछ भूल सकती हैं लेकिन गोलगप्पे खाना नहीं। तो आज हम उनके लिए लाए हैं बिल्कुल स्पेशल और डिफरेंट गोलगप्पे। देखिए तो ये लगभग 15 मिनट, हम 15 से 20 मिनट इस डो को अच्छे से लगा रहे हैं और देखिए मसल मसल के बिल्कुल चिकना कर देना है इसको। और देखिए अब हमारा डो देखिए कितना
इजी टू हैंडल है, यानी हम अच्छे से इसको जैसा शेप चाहेंगे वैसा शेप इजीली कर देंगे। तो हम हाफ कट करते हैं इसको और हाफ से हम बनाएंगे। देखिए आपको दिखाते हैं हम कैसा हो गया है डो, ठीक इस तरह का हो जाना चाहिए। देखिए जाली देख सकते हैं आप अंदर, तो ये इस गोलगप्पे को फुलाने में मदद करेगा। तो आधा पोर्शन हमने रख दिया और आधे पोर्शन की छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। तो बहुत छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे, उनको ढक के रखेंगे और एक एक करके हम उसको बेल लेंगे। तो हम कैसे बेलें वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे, तो छोटी छोटी लोइयां तोड़ने के बाद हम इसको बेलेंगे। तो देखिए पहले छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं हम, बहुत छोटी छोटी करने हैं क्योंकि जो गोलगप्पे हमें बेलना है वो पतला बेलना है, यानी एक थिकनेस जो है, एक मेजरमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब आप कोई इस तरह की रेसिपी बनाते हैं, फ्राई करते हैं या बेक करते हैं। तो देखिए छोटी छोटी गोलियां बना लिए, ठीक इस तरह की छोटी छोटी गोलियां। अब इनको भी हम ले लेते हैं, उसको ढककर रखेंगे और एक एक करके देखिए इस तरह से हम तोड़ लिए हमने, और इसको ढक के रखेंगे और एक एक करके हम बेल कर बताएंगे आपको। तो चलिए इसको ढक के रखा है और एक हम निकालेंगे और उसको बेल के आपको बताएंगे। देखिए किस तरह से बेलेंगे, पहले इसको इस तरह से चिकना करेंगे हाथों के बीच में लेके, बाकी को ढक के रख देंगे और इस तरह से इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। देखिए गोलगप्पे आपने देखे होंगे कि सूजी के गोलगप्पे, स्पेशली सूजी के गोलगप्पे इस तरह का होता है, बेलन की तरह। ये देखिए इस तरह का, इसके पीछे भी एक राज है क्योंकि सूजी के गोलगप्पे जो फूलते हैं तो इस तरह के शेप में वो इजिली फूलते हैं और खुद ही टर्न हो जाते हैं, तो दोनों साइड इजिली पक जाता है। तो ये वाला शेप परफेक्ट होता है सूजी के गोलगप्पों के लिए। देखिए इस तरह का हमें बेलना है। तो ऐसे यदि आप बनाते हैं तो वो इजी टू, ये सेकने में बहुत इजी होता है, तो इजी टू फ्राई है, ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, खुद ही टर्न हो जाएगा, टर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आटे के गोलगप्पे हैं, मैदे के गोलगप्पे हैं, वो गोल शेप में बनाए जाते हैं। आप चाहें तो इसे भी गोल शेप में बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ही में आपको खुद को टर्न करना पड़ेगा उसको, तो वो अपने आप से टर्न नहीं होगा, आपको खुद को टर्न करना होगा। तो हम वो भी आपको बेल कर बताते हैं। यदि आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, ये देखिए इस तरह से गोल बना सकते हैं, और चाहें तो बिल्कुल गोल, परफेक्ट गोल काटने के लिए आप किसी कटर को या किसी कैप को यूज कर सकते हैं गोल शेप देने के लिए। वैसे तो ये भी आप देख सकते हैं कि गोल ही बिला है बिल्कुल, लेकिन यदि आप इसको छोटे छोटे बनाना चाहते हैं तो आप छोटे किसी कटर को यूज करके या किसी बोतल के कैप को यूज करके आप गोल शेप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप गोल शेप कर सकते हैं और गोल 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 गप्पे भी बना सकते हैं, जैसे मैदे के होते हैं या आटे के होते हैं वैसे आप इसको गोल गोल बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से गोल गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी इसी शेप में बनाए क्योंकि ये बहुत अच्छे से बिल्कुल फूले फूले बनेंगे और अपने आप टर्न होंगे और प्रॉपर सीखेंगे। तो सूजी के स्पेशली गोलगप्पे इसी शेप में बनाए। तो हम दोनों बनाकर आपको बताया, लेकिन बनाइएगा जो आपको सहूलियत हो। तो देखिए यहाँ पे तेल हमने गरम होने के लिए रखा है, ध्यान रखें कि तेल बिल्कुल प्रॉपर गरम होना चाहिए, यानी बहुत अच्छे से गरम हो जाना चाहिए तेल। तो देखिए तेल गरम हो गया है, तो इसमें ऐड कर देंगे गोलगप्पे और आप देखेंगे कि ये कितने जल्दी से फूल जाते हैं अपने आप से। तो ध्यान रखें कि तेल पूरी तरह से गरम होना चाहिए, तभी आप ऐड करें गोलगप्पे। तो देखिए हम एक एक करके गोलगप्पे ऐड करते जाएंगे और गोलगप्पे अपने आप फूल कर ऊपर आएंगे। ये देखिए इस तरह से,
तो इस शेप का बनाने का यही फायदा है कि इस शेप में बनाने पर ये अपने आप से फूलेंगे और अपने आप से ये टर्न हो जाएंगे और अच्छे से सिक जाएंगे। तो इसलिए जो सूजी के गोलगप्पे हैं स्पेशली इसी शेप का आपको मार्केट में मिलेगा। तो इसी शेप के स्पेशली सूजी के गोलगप्पे बनाए जाते हैं। तो देखिए ये अच्छे से फूलेंगे और फूल के अपने आप से ये टर्न हो जाएंगे। तो चलिए इस तरह से हम सेक लेते हैं, एक एक करके इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये अच्छे से फूले, क्योंकि एक गोलगप्पा ऐड करने के बाद टेम्परेचर डाउन होता है ऑयल का। सो टेम्परेचर वापस अपने पहले वाले पोजीशन में आए उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा ब्रेक दें। तो देखिए एक तरफ से सिक जाए तो जो अपने आप से टर्न हो जाता है तो वो तो टर्न हो जाता है, जो नहीं होता उसको आपको टर्न करना पड़ता है। कुछ गोलगप्पे आप देखेंगे वो टर्न नहीं होते, थोड़े से जिद्दी होते हैं ना। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस आप उसके ऊपर गरम तेल ऐड कर दीजिए, वो सिक जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करते वक्त फ्लेम को लो कर देंगे ताकि अच्छे से सिक जाए, जले नहीं। जब आप गोलगप्पे ऐड कर रहे हैं तब आप टेम्परेचर को हाई रखें, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। तब आप टेम्परेचर को हाई रखें, तेल पर्याप्त मात्रा में लें, एक गोलगप्पा ऐड करने के बाद थोड़ा वेट करें फिर दूसरा ऐड करें। तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे तो गोलगप्पे हमेशा आपके फूले फूले बनेंगे। ये देखिए जो नहीं सिक रहा, जो नहीं पलट रहा, उसके ऊपर इस तरह से गरम ऑयल डालें, इससे वो भी अच्छे से सिक जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से और बिल्कुल गोल गोल बनेंगे आपके गोलगप्पे, गोल नहीं लंबे लंबे, है ना। तो गोल गप्पे हैं, फूले फूले हैं और बीट रूट यानी चुकंदर के हैं, सूजी के गोलगप्पे हैं, इतनी सारी खूबियां हैं फ्रेंड्स। फिर गोलगप्पे क्यों नहीं पसंद आएंगे आपको, आएंगे ना। और आपको गोलगप्पे खाना बहुत अच्छा लगता है तो जरूर आप इस तरह से बनाएंगे और आप देखेंगे कि 2 कप सूजी से हम तकरीबन 40 से 50 पीस गोलगप्पे बना सकते हैं। तो पॉकेट फ्रेंडली भी हुआ है ना, और गरम गरम बनाइए और खा लीजिए। देखिए गोलगप्पे सिक गए हैं बातों ही बातों में, इसको हम निकाल देंगे, जाली पे निकालेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। देखिए कैसे फूले फूले बने हैं ना। तो इतना सेकना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। और ये देखिए ऑयल को अच्छे से झाड़ देंगे इसमें और अब इसी पे रहने देंगे थोड़ी देर, जिससे ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि गोलगप्पे हमारे फूले फूले बनकर रेडी हो जाएंगे, है ना। चलिए बनाते हैं इसी तरह से, पूरे गोलगप्पे हमें बनाने हैं तो हम आपको काफी सारा बना के बताएंगे। देखिए काफी सारा हम आपको बना के बता रहे हैं गोलगप्पे, और एक को ऐड करने के बाद थोड़ा वेट करें ताकि वो फूल जाए, फिर दूसरा आप ऐड करें। ऐसा करने से टेम्परेचर वापस मेंटेन हो जाता है और उसके बाद जगह भी मिल जाती है गोलगप्पों को फूलने के लिए। बहुत ज्यादा एक साथ ऐड ना करें, जितना आपने ऑयल लिया है उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें गोलगप्पे ऐड करें और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। हलवाई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, बहुत बड़ी कढ़ाई में एक साथ खूब सारे गोलगप्पे डाल देते हैं, उसमें से आपका 70% फूलता है और 30% नहीं फूलता, क्योंकि गोलगप्पों को फूलने के लिए जगह नहीं मिलती। आप घर में बना रहे हैं तो कम क्वांटिटी में बनाएंगे, तो आप जो है छोटी कढ़ाई में भी बना रहे हैं तो आप उसको इजीली फ्राई कर सकते हैं। देखिए अपने आप जैसे ही वो एक साइड फ्राई होता है ना, टर्न हो जाता है अपने आप। तो कुछ गोलगप्पे नहीं टर्न होते तो उसको आप टर्न कर दीजिए, लेकिन ज्यादातर गोलगप्पे अपने से ही टर्न हो जाते हैं। देखिए पहले फूलेंगे, पहले अच्छे से फूलेंगे और उसके बाद अपने आप से टर्न हो जाएंगे। जो टर्न नहीं होता उसको आप टर्न कर दें, जो फिर भी टर्न नहीं हो रहा उसके ऊपर आप गरम तेल डालें, आप देखेंगे वो भी अच्छे से सिक जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बस बनाना है गपचुप।
पानीपुरी, गोलगप्पे, कितने नाम है इसके, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसकी फीलिंग है। आप अंदाज जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि जो सूखे मटर हैं वो बॉईल करके उसे यूज किया जाता है, कहीं पे छोला यानी काले चने यूज किए जाते हैं, और ज्यादातर आलू का मसाला यूज किया जाता है। तो जो आपको पसंद है आप उसमें फिलिंग वो भर सकते हैं। तो हम सेक लेते हैं हमारे सारे गोलगप्पे इसी तरह से बिल्कुल। देखिए जो फूल गए और जो नहीं टर्न हो रहे हैं उसको हम गरम ऑयल उसके ऊपर डालेंगे तो अपने आप से वो फ्राई हो जाएगा। देखिए इसी तरह से सारे बैच हम बनाएंगे, ठीक इसी तरह से बनाएंगे। वन बाय वन हम सारे बैच बनाते चल रहे हैं फ्रेंड्स, और खूब सारे गोलगप्पे बनकर हमारे रेडी हो जाएंगे। देखिए अपने आप से फूलते हैं, बिल्कुल करीब से हम आपको दिखा रहे हैं ये कैसे अपने आप से फूलेंगे और अपने आप से ये टर्न हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर मेन है, जब आप इसको ऐड करें तो टेम्परेचर हाई रखें, और सारे ऐड हो जाएं तो टेम्परेचर लो कर दें। ये देखिए टेम्परेचर हाई रहेगा, ये अपने आप से फूलेगा और फूल के ये अपने आप से टर्न हो जाएगा। देखिए और 100 में से कोई दो चार ऐसे भी होंगे जो नहीं फूलेंगे, जिद्दी होंगे, तो उनको आप पापड़ी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो कुछ एक हैं जो नहीं फूलते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि 90% 95% फूल जाएंगे। ये देखिए तो इस तरह से हम सारे गोलगप्पे बनाकर रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल फूले फूले यमी यमी क्रिस्पी क्रिस्पी गोलगप्पे हमें रेडी करना है, वो भी चुकंदर वाले गोलगप्पे। और उसके साथ तैयार करेंगे एक स्पेशल पानी और स्टफिंग भी, आलू का मसाला भी हम रेडी करने वाले हैं। तो देखिए गोलगप्पे हमारे सिक रहे हैं और सारे गोलगप्पे सेक कर रेडी हो रहे हैं। सभी गोलगप्पे हम एक साथ सेक कर तैयार कर रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे इसके लिए अच्छा सा पानी। तो गोलगप्पे हम ये देखिए इस तरह से ऐड करते जा रहे हैं और सेकते जा रहे हैं। देखिए हमारे सारे गोलगप्पे सेक कर रेडी हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से फूले फूले बन रहे हैं गोलगप्पे, और सभी गोलगप्पे हम बनाकर रेडी करते हैं, उसके बाद तैयार करेंगे इसके लिए स्पेशल पानी। तो चलिए फ्रेंड्स तैयार कर लीजिए सारे गोलगप्पे फूले फूले बिल्कुल ऐसे पिंक कलर, लड़कियों का फेवरेट होता है ना, तो आज हम पिंक कलर में लाए हैं गोलगप्पे। तो लड़कियों को तो स्पेशली ये गोलगप्पे बहुत पसंद आने वाले हैं, है ना, है अमेजिंग। तो बनाइए जरूर, घर में बनाइएगा और पेट भर के खाइएगा गुपचुप यानी गोलगप्पे। देखिए फूलते जा रहे हैं बिल्कुल, और फूल कर रेडी हो रहे हैं हमारे स्पेशल यमी डिलीशियस चुकंदर यानी बीटरूट के गोलगप्पे फूले फूले। इनको टच करना भी अपने आप में एक आनंद है ना। देखिए सब इकट्ठे हो गए एक जगह पे और जगह छोड़ दिया दूसरे गोलगप्पे ऐड करने के लिए। तो ऐड कर देते हैं दूसरे गोलगप्पे भी और फ्राई कर लेते हैं फटाफट से सारे गोलगप्पे। तो जल्दी से तैयार करना है इन गोलगप्पों को, और मुंह में पानी आ रहा है फ्रेंड्स, और जल्दी से हम तैयार कर लेते हैं सारे गोलगप्पे। ये हमारा लास्ट बैच बन रहा है, तो लास्ट बैच भी हमारा बनकर रेडी होने वाला है, और फिर हम बनाएंगे इसके लिए पानी और मसाला और फिर उठाएंगे इसका आनंद, बीट रूट चुकंदर के गोलगप्पे। कुछ स्पेशल लग रहा है ना, स्पेशल है, डेफिनेटली स्पेशल है। बनाइए फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितना स्पेशल है ये। देखिए सारे गोलगप्पे फूल गए हैं अच्छे से और गोलगप्पे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। बिल्कुल इतने सारे गोलगप्पे बनकर रेडी है, फूले फूले गोलगप्पे, है ना, बहुत सारे अमेजिंग फूले फूले, हर एंगल से दिखा रहे हैं हम, सब गोलगप्पे फूले हुए हैं, बिल्कुल फूले फूले गोलगप्पे, है ना। मुंह में पानी आ रहा है फ्रेंड्स, आ रहा है ना, डेफिनेटली आ रहा होगा। तो
तो चलिए अब इन गोलगप्पों के लिए बनाते हैं पानी, स्पेशल पानी। चले आइए बनाते हैं इनके लिए स्पेशल पानी। बहुत क्रंची है, बहुत ही क्रंची है, बहुत ज्यादा क्रंची है। ये देखिए इनका क्रंच, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सुनाया कि कितना क्रंची है ये, है ना, बिल्कुल चूरा हो जाता है इसका। चलिए अब बनाते हैं पानी। इसके लिए हमने लिया है 1 इंच टुकड़ा जिंजर, आधा हमने लिया टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्च, पुदीना और धनिया। जितना पुदीना उसका डबल धनिया। इनको हमने जार में ले लिया, ऐड कर देंगे गुड़। तो देखिए हमने आधी भेली ली है गुड़ की, और ऐड कर देंगे हम यहाँ पे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और ऐड करेंगे पानी। चलिए अब इसको पीस लेते हैं हम। तो देखिए ये हमारा पिसकर रेडी है। अब इसको ऐड कर लेंगे हम बाउल में। ये देखिए काफी थिक है। अब इसमें ऐड करना है पानी, तो ठंडा पानी ऐड करें। सर्दियों का मौसम है तो आप रूम टेम्परेचर वाला पानी ऐड कर सकते हैं, और गर्मियों के मौसम है तो इसमें आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं, जो कि इसको और टेस्टी बना देता है। तो देखिए इतना थिकनेस चाहिए हमें। टेस्ट कर लेते हैं, सब कुछ प्रॉपर है। ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और आधा नींबू का रस। खट्टा यदि ज्यादा चाहिए तो 1 नींबू का रस पूरा ऐड करें। हमें खट्टा थोड़ा कम चाहिए क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो आधा नींबू का रस पर्याप्त है। आधा नींबू का रस हम ऐड कर रहे हैं पूरा। आप चाहें तो पूरा 1 नींबू ऐड कर सकते हैं यदि खट्टा आपको ज्यादा चाहिए। गर्मियों का मौसम होता तो इसमें आइस क्यूब ऐड कर देते, सर्दियों का मौसम है इसलिए हम नहीं ऐड करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऊपर आप देख रहे हैं झाग आ रहा है, इस झाग को हमें निकालना है। तो पहले अच्छे से मिक्स कर देते हैं, उसके बाद ये जो झाग बना है इसको हमें निकालना है। तो इसको ठहरने दे थोड़ा सा, उसके बाद इसको इस तरह से निकालते हैं। तो ये झाग हमें निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से ये झाग जो बनता है इसको हमें निकाल देना है। तो पानी रेडी है हमारा। ये देखिए थिकनेस कैसा है, बस ऐसा ही थिकनेस चाहिए हमें। अब इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ कोरिएंडर और मिंट, थोड़ा सा जीरो सेव और थोड़ी सी बूंदी। तो ये ड्राई बूंदी है, ऐड कर दिया हमने। थोड़े से अनारदाने। बस तैयार हो गया हमारा स्पेशल गुपचुप का पानी। पानी पूरी है तो पानी तो बनना है ना, तो पानी हमारा रेडी हो गया है। बिल्कुल अमेजिंग टेस्ट है इसका। चलिए तैयार कर लेते हैं जल्दी से मसाला। तो हमने आलू बॉईल करके रखा था, 6 से 7 आलू है। इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे हाथों से, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़े बहुत चंक्स हो तो चलेगा, लेकिन ज्यादा चंक्स नहीं होने चाहिए। अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर दे। तो आलू का मसाला भी हमारा रेडी हो गया है। हमने 6 से 7 आलू लिए हैं। आप जितना मसाला रेडी करना चाहते हैं, जितना गुपचुप है उसके अकॉर्डिंग ही ले। हमने जितना गुपचुप बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही ये पर्याप्त है। अब इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक सॉल्ट 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ धनिया और पुदीना, 1 टीस्पून चाट मसाला। बस कर देते हैं इनको अच्छे से मिक्स। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पे हमने प्याज ऐड नहीं किया है क्योंकि हम बिना प्याज का बना रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बारीक चॉप करके प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो मसाला रेडी है, गार्निश कर देंगे अनारदाना, बूंदी और जीरो से। बस रेडी हो गया हमारा मसाला। तो देखिए गोलगप्पे भी रेडी है, मसाला भी रेडी है, पानी भी रेडी है। अब किस बात का इंतजार है, चलिए सर्व करते हैं बिल्कुल फटाफट से। वन बाय वन सर्व करते जाते हैं गोलगप्पे।
और उठाते हैं इसका आनंद। तो गोलगप्पे वाले को देखकर सब खुश हो जाते हैं, स्पेशली लड़कियों को तो गोलगप्पा बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है गोलगप्पा, वो भी घर पे बना हो तो बात ही क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गोलगप्पे वाले आपको इतनी स्पीड से खिलाएंगे कि आपके मुंह में गोलगप्पा रहेगा और आपके प्लेट पे दूसरा गोलगप्पा आ जाएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी खाना पड़ता है तो उसमें आपको पूरा आनंद नहीं ले पाते, लेकिन यहाँ पे आप ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से तोड़े और उसमें ऐड करेंगे आलू का मसाला, देखिए कितना क्रंची है, इजिली टूट जाता है। ऐड कर दें आलू का मसाला। अब मसाला आपको कम चाहिए ज्यादा चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मिर्च आपको कम ज्यादा चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा आप ऐड कर सकते हैं। ज्यादा तीखा पसंद है तो मिर्च और डाल दीजिए, यदि कम तीखा पसंद है तो आप जितना हमने बनाया है वो सबको पसंद आएगा, बच्चा बड़ा सब खा सकते हैं, ना तो कम मिर्च मसाला है और ना ही ज्यादा है। तो देखिए सभी चीजें हम ऐड कर रहे हैं इसमें। अब यहां पर आपकी पसंद चलेगी, गोलगप्पे वाले की पसंद नहीं, आपकी पसंद चलेगी, आप अपने हिसाब से जो चीज जितना चाहिए आप उसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। ये फायदे वाली बात, आप घर पे बनाइए अपनी पसंद से खाइए। तो हमारा गोलगप्पा रेडी है, अब इसमें ऐड कर देते हैं पानी। पानी भी आपको जितना चाहिए उतना ऐड कर सकते हैं, और बाद में यदि आप गोलगप्पा खाने के बाद पानी अलग से पीना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए गोलगप्पा हमारा रेडी हो गया है, यमी डिलेशियस टेस्टी हेल्दी, क्या नहीं है ये गोलगप्पे। तो गर्ल्स पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और जल्दी जल्दी बनाइए और आनंद उठाइए बीट रूट यानी चुकंदर और सेमोलिना यानी सूजी के गोलगप्पों का। देखिए मुंह में पानी आ रहा है, तो हम तो उठा रहे हैं इसका आनंद, आप बनाइए और जल्दी से इसका आनंद उठाइए, खाइए और खिलाइए, और हमें बताइएगा आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच ताकि सभी बना पाए ये यमी डिलीशियस तो गोलगप्पे। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो बनाइएगा जरूर, और बनाकर आप पिक्स शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपको रेसिपीज कैसी लगती है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम लाते हैं हमेशा आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी, तो अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी के लिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ सदा जुड़े रहिएगा। जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं ना, तो चुपके चुपके मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, हमारे साथ हमारी फैमिली को बड़ा कीजिएगा। तो हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए तहे दिल से शुक्रिया यूं ही जुड़े रहने के लिए और बनाने के लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो फ्रेंड्स बनाइए आज हमारी स्पेशल रेसिपी, हम चलते हैं फिर लाने आपके लिए नई और अमेजिंग रेसिपीज। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बनाते रहिए अमेजिंग रेसिपी, मैजिकल रेसिपी मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ।